नमस्कार, शशि शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक का पराठा बनाने के लिए हमने अच्छे कच्चे वाले बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पालक को चूज किया है। सॉफ्ट सॉफ्ट पालक को मैं धो के साफ करके और अच्छे से मतलब अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने और उसको धो लिया है। अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे और फिर हम उससे आगे बताते हैं कि कैसे कैसे बनाने हैं। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट पराठे बनते हैं पालक के, और इनको बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि वो कलरफुल हो जाते हैं और छोटे बच्चों को तो खास करके बहुत अच्छे कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो हम बनाते हैं घर पालक से पराठा। कैसे बनाते हैं चलिए बताते हैं। आज हम बनाएंगे पालक के पराठे। पालक के पराठे बनाने के लिए हमने पालक को साफ करके और अच्छे से पानी में 3-4 बार उसको वॉश कर लिया है। और अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट मिक्सी में। मिक्सी में पेस्ट बना के और इससे लगाएंगे हम आटा। हमारा पालक तैयार हो गया है आटा लगाने के लिए। पूरा पालक को हमने जरा सा ही पानी डाल के आधा चमचा के बराबर और इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इस पेस्ट से आटा लगाएंगे। लिया है और इस आटे में हम ऐसे पेस्ट को ऐसे पेस्ट को डाल देंगे। हम इसके पराठे बनाने वाले हैं, इसकी पूरी भी बना सकते हैं चाहे तो। आज मैं बनाऊंगी इसका पराठा। थोड़ा सा नमक डाल दिया उसके अनुसार। जैसे कोई बिगनर्स होते हैं तो उनको इसका ध्यान रखें कि सारा पहले से न डालें, उनको अंदाज नहीं होता है पूरा। उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालते जाएं, जैसे पानी डाल के आटा को लगाते हैं ना, ऐसे उस आटे को लगा लें पालक डाल के, जितना जरूरत हो उतना, क्योंकि आटा कम ज्यादा भी हो सकता है, पालक भी कम ज्यादा हो सकता है। रख देते हैं जरा से 5-10 मिनट के लिए। सभी 5-10 मिनट बाद देखिए गाइस, हमने आटा हमारा लग गया है, आटा तैयार होगा। देखिए इतना ऐसे आराम से नरम सा आटा लगाना, क्योंकि पराठा बनाना हमें पूरी नहीं बनानी है, ऐसे सॉफ्ट सा। और अब हम इसका पराठा बनाते हैं। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि जो पालक डलने से। इसका लच्छा पराठा भी बना सकते हैं इस आटे से।
गैस का बैलेंस रखें कि गैस कितनी कब तेज करनी है, कब मंदी रखनी है। थोड़ा सा जैसे डालते हैं तो गर्म तवा होना चाहिए, पराठा डाल दिया, उसके बाद में जब पलट देते हैं तो पलटने के बाद गैस को सिम कर दें। जब तक फिर दोबारा पलटते हैं, फिर उसके बाद में फिर तेल उसमें जो भी कुछ मक्खन की जो भी जिससे भी पराठा बनाना चाहते हैं वो लगाए तो फिर गैस को फिर तेज कर लें। कितना बढ़िया पराठा बना, फर्स्ट क्लास। देखिए कितना बढ़िया फूला फूले पराठे बनेंगे इसके, बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह बनेंगे, बिल्कुल से कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका पालक का। कितने बढ़िया सुंदर कलर के ग्रीन ग्रीन पराठा है। खाना तैयार है, खाइए पीजिए मौज कीजिए। मखाने की खीर, आलू मटर टमाटर की सब्जी, पालक के पराठे।